असलम स्वीडियो में हम बात करेंगे सलाइवरी गैंड की कुछ डिजीज़ की इसमें हम जीरोस्टोमिया एंड सेलेडीनेटेस की बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो जीरोस्टोमिया इज़ बेसिकली ड्राई माउथ ड्राई माउथ को मेडिकल टर्म्स हम जीरोस्टोमिया कहते हैं कि जीरोस्टोमिया इट इज़ अ ड्राई माउथ विच यूजली रिजर्ज फ्रॉम अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा और उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऑटोमिया डिसऑर्डर होता है शोग्रेन सिंड्रोम उसमें देखा जाता है कि उसमें हमें ड्राई माउथ मिलता है और साथ में हमको ड्राई आइस भी मिलती है तो ड्राई माउथ इज़ नॉन एज जीरोस्टोमिया एंड शोगर सिंड्रोम के अलावा और कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि ड्राई माउथ कॉज करा सकते हैं वेदर देर आइदर देर से रेडिएशन थेरेपी फॉर हेड एंड नेक कैंसर्स और कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है लाइक एंटी कॉल ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स एंटी डिप्रेशन का एंटी साइकोटिक्स का डायरेटिक का एंटी हाइपरटेंसिस का सिडेटिस का मसल रिलेक्सेंट एनर्जीसिक्स एंटी स्टेमिनिक ड्रग्स का इन सब ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में भी हमको ड्राई माउथ विच जीरो स्टोमिया मिल सकता है जो ये जीरो स्टोमिया होती है इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है इट मे प्रेजेंट एज अ ड्राई म्यूकोजा या देर इज़ एन एट्रोफी ऑफ द पेपिला ऑफ द टंग विद फिजरिंग एंड अल्सरेशन वेदर के डायमिकोजो होगा या जो पेपिला होते हैं टंग्स के उनकी एट्रोफी हो चुकी होगी एंड दे वुड बी फर्दर फिजर्ड और अल्सरेटेड और जो जो शॉगरन सिंड्रोम होता है उसमें हमको साथ में इंफ्लेट्री इलास्टमेंट भी मिलती है स्लाइब्री ग्लैंड्स की कॉम्प्लिकेशनस क्या हो सकती है जीरोस्टोिया की जब स्लाइवर नहीं बनेगा सो दे वुड बी इंक्रीज रेट ऑफ डेंटल कैरीज वुड बी इंक्रीज रेट ऑफ कैंडेडाइसिस दे वड बी डिफिकल्टी इन सॉलोविंग एंड स्पीकिंग ये सब कॉम्प्लीकेशनस होती हैं जीरोस्टोमिया की अब हम पढ़ते हैं हेंडीनाइटिस वट इज सेल इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड किसी भी सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन को हम सेल एडीनाइटिस कहते हैं लेकिन हम ज्यादातर पेरोटेड ग्लैंड के साथ एसोसिएट करते हैं क्योंकि मेजर लिए ये देखा जाता है कि जब भी पेरोटिक ग्लैंड ज़्यादातर जो भी डिजीजेज होती हैं या जो इन्फ्लीमेशन होती है वो पेरोटिक ग्लैंड की होती है तो लेकिन ये कि सिर्फ पेरोटिक ग्लैंड की नहीं जितनी भी जो जो सलाइवरी ग्लैंड हैं पेरोटेड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल और जो भी माइनर सलाइवरी ग्लैंड हैं उनकी इन्फ्लीमेशन को हम सयाल एडीनाइटिस कहते हैं अब ये किस तरह से हो सकती है इट तो कुड बी इंड्यूस्ड बाय ट्रोमा वायरल बैक्टीरियल वायरल वायरल और बैक्टीरिया इफेक्शन और आटोम डिजीज़ और ऑटोमियो डिजीज जिसमें हमने वो एग्जाम्पल पढ़ ली थी शॉगरन सिंड्रोम की और जिसकी मोस्ट प्रावलेंट फॉर्म है सेलोडीनाटिस की दैट इज म्यूकोसील वेरस वायरल में हमको जो मम्प्स का वायरस होता है मम्प्स में भी हमको सलाइवरी ग्लैंड की वो इन्फ्लेमेशन मिलती है वो ज़्यादातर इन लार्ज मिलते हैं हमको अब म्यूकोसील के हम आते हैं वट इज़ म्यूकोसील ये म्यूकोसील होती है इन्होंने ये फिगर दिखाई हुई दिस थिंग इज़ नोन एज मीकोसील के मीकोसील यूजली जो लोअर लिप होते हैं वहाँ पे फाउंड होते हैं वहाँ पे फाउंड की जाती है एंड देर अकोर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ क्रोमा एंड दे कैन अकर एट एनी एज और इनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है एज अ फ्लक्चुएंट लोअर लिप स्वेलिंग विद अ ब्लू ट्रांसल्यूसेंट ह्यू जो कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि फ्लक्चुएंट सी लोअर लिप के लेवल पर स्वेलिंग है जिसकी आ, किस तरह की प्रेजेंटेशन मिल रही है ब्लू सी ट्रांस ट्रांसल्यूसेंट सा हमको मिल रहा है इसका जो कलर मिल रहा है और ये बनती क्यों है? ये बनती इसलिए क्योंकि आइदर देर इज़ अ ब्लॉकेज और देर इज़ अ रपच्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डक्ट उसकी वजह से क्या होता है जब सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट की ब्लॉकेज या रपच्चर हुआ होगी तो जो सलाइवा होगा सलाइवा क्या करेगा वो फिर आसपास का जो सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा होता है ना वहाँ पे वो लीक कर जाता है उसके लीक होने की वजह से हमको इस तरह की स्वेलिंग मिलती है कि बहुत सारा सलाइवा जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं हुआ है वो यहीं पे स्वेट आके कहते हैं लीक करके यहीं पे फिल्ड अप अकूमुलेट करके जिसकी वजह से हमको ये म्यूकोसील मिलती है और जो म्यूकोसील होती है ये होती क्या है हिस्टोलॉजिकली इस तरह दिखाई कि म्यूकोसी दे आर बेसिकली द सूडोसिस्ट दे आर नॉट थ्रूसिस दे आर सूडोसिस्ट विच आर लाइन बाई इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेन टिशू और दे आर लाइन बाई अ फाइब्रस कनेक्टिव टिशू एंड फेल्ड विद म्यूसिन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें हमको मोस्टली मैक्रोफेजेस मिलते हैं हैं ये इन्होंने हिस्टोलॉजिकली दिखाया है कि हिस्टोलॉजिकली इसकी इस तरह पढ़ने होती है कि दे आर तरह यहाँ पे दिखाई हुई भी, भी है दे आर सूडोसिस्ट विच आर लाइंड बाय इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन टिशू जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं और दे माइट ऑल्सो भी लाइंड बाय फाइबरस कनेक्टिव टिशू और ये जो सूडोसिस्ट होते हैं ये होते हैं दे आर फिल्ड विद म्यूसिन जो हमको मिल रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो फिल्ड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड जो म्यूकोसिल्स होती है इनकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है इनकी हमें कम्प्लीट एक्जिशन करनी होती है कम्प्लीटली एक्सरसाइज करना होता है अगर कंप्लीटली एक्सरसाइज नहीं करेंगे थोड़ी सी इनकम्प्लीट एक्जिशन करेंगे दें देर सा चांस कि ये ये वापस दोबारा ये कहते हैं आज इनकी रिकरेंस हो जाए तो इसलिए इनकी कम्प्लीटली एग्जिशन रिक्वायर्ड होती है तो ये थी म्यूकोसील म्यूकोसील के साथ साथ एक चीज़ होती है रेनूला अब रेनूला क्या होते हैं रेनोला की इन्होंने फिगर यहाँ दिखाई की नहीं है रेनूला इज बेसिकली रेनोला इज़ बेसिकली कह सकते हैं एपिथीलियन इट इज इट इज़ ऑल्सो असिस्ट विच इज एपीथीलियन लाइंड लेकिन ये कहाँ पर होती, sub, होती है जो सब सब लिंगुअल ग्लैंड के लेवल पर होती है जो म्यूकोसिल होती थी वो म्यूकोसील भी किसी भी ग्रैंड के लेवल पर हो सकती है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो म्यूकोसिली जाती है वो पेरोट्रिक ग्रैंड के लेवल पर ज़्यादातर देखी जाती है जो रेंडूला होती है म्यूकोसिल रेंडूला में डिफ्रेंस यही है कि जो रेंडूला होगा जब सब लिंगुल ग्लैंड के लेवल पे डैमेज होगा मतलब जब सब लिंगुल ग्लैंड के डट के लेवल पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई डैमज हुई हुई होगी तो उसको हम रेंडूला कहेंगे वेरस अगर ग्लैंड या Uh, सब मैंडो ग्लैंड के लेवल पे होगा तो उसको म्यूकोसील कहेंगे और दूसरा डिफरेंस ये कि जो सब लिंगो एग्जान के लेवल पे सिस्ट होगी वो वो थ्रू सिस्ट होगी और वो एपिथेलियल सेल से लाइन की भी होगी एज जो म्यूकोसील होगा म्यूकोसील दैट वुड बी अ बूडोसिस्ट एंड दैट वुड भी लाइन पर इन्फ्लेमेटरीशन टिशू और फाइब्रस कनेक्टिव टिशू और जो रेनोला होगा रेनोला की जो सिस्ट होगी वो किसी चीज़ से फिल्डअप नहीं हुई होगी होगी एज जो म्यूकोसील होगी म्यूकोसील वुड बी फिल्डअप विद म्यूसिन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स अब हम आ जाते हैंस पे एंड नॉन स्पेसिफिक सेल एडीनाइटिस पे नॉन स्पेसिफिक सेल एडीनाइटिस में हमारे पास आ जाता है नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल एडीनाइटिस जो कि यूजली सब मंडिविल ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है और भी बाकी ग्लैंड को इन्वॉल्व कर सकता है ये होता है कि इट इज़ यूजली डू टू इफेक्शन फ्राम और स्टेप्टोकोकस विलिडेंस फॉलोइंग डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन बाय स्टोन्स ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के डकते हैं उन वहाँ पर भी स्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है और हमने जिस तरह गोल बेटर में पढ़ा था कि जब भी स्टोन की फॉर्मेशन होती है तो उसकी वजह से होता है कि उसकी वजह से हमको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिलते हैं तो ये जो नॉन स्पेसिफिक सेलटिस से है ये सेलो की वजह से हो रहे हैं अब सेलोलीथाइसिस सलाइवरी ग्लैंड के लेवल पर डक्ट की फॉर्मेशन को सेलो कहा जाता है और ये सेलोलीथाइसिस क्यों हो सकती है इट कुड बी आइदर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और फिस बाई इम्पैक्टेड फूड डेवरी और ड्यू टू लोकल एडीमा आफ्टर इंजरी यानी कि जो ऑरफिस है जहाँ से जहाँ से बेसिकली सलेवर ने निकलना है अगर वहाँ उस लेवल पर कोई फूड की डेबरी जाके इम्पैक्ट कर जाए और उस जगह को ऑब्सट्रकट कर दें सो तो देर इज़ अ चांस के जो सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है वहाँ पर ऑब्सट्रक्शन होने की वजह से उधर स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है या कोई लोकल एडीमा हो जाए इंजरी के बाद तो देर इज़ चांस कि वहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है इस लाइब्री ग्लैंड क्रडक्ट के, के लेवल पे विच वुड कॉज सेलोलिथेसिस और, और जब उधर स्टोन की फॉर्मेशन होगी तो स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे हमको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेंगे विच वुड बी इन्वॉल्विंग स्लाइब्री विच वुड भी इन्वॉल्विंग स्टेफ औरियस एंड स्टेप्टोकोकस वोडियंस तो उसको हम नॉन स्पेसिफिक सेल एडिनाइटिस कहते हैं और ऑब्वियसली फिर जब ये कहते हैं और कौन कौन सी कॉजेस हो सकती है डिक्रीज सलेवी सेक्टेशन की डिक्रीज सलेवरी सेक्टेशन ड्यू टू डिहाइड्रेशन विच में ऑल्सो फेसिलिटेड बैक्टीरियल सुपरेटिव पेरोटाइटिस और ये देखा गया कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी या जब भी बैक्टीरियल इन्वेजन हो गई होगी सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट के लेवल पे तो वहाँ पे हमको इंट्रेस्टेशल इन्फ्लेमेशन मिलेगी और अगर तो कोई पायोजीनिक बैक्टीरिया ने जाके इन्फेक्ट कर दिया है उस रीजन को तो हमको वहाँ पे एप्सिस फॉर्मेशन भी मिलेगी और ओवर सपोरेटिव नेक्रोसिस मिलेगा एंड ये जो इस तरह की डिजीज़ होती जो है सेलोडिथैसिस की या डस्ट्र जो सेलो लिथेसिस होता है जो नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरियल एल नेटेस होते हैं वो हमको यूजलीटरली ही मिलते हैं विच इज़ इन्वॉल्विंग अ सिंगल ग्रैंड सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द टू डिजीजेस रिलेटेड टू दाइवरी ग्रैंड आई इजीली समझ में आ गई हूँ uh, तो हाँ जीरो बेसिकली ड्राइवर को कहते हैं और इसमें हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है सैल में हमको याद रखना है म्यूकोसील का और वेनिला का म्यूकोसील से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और हिस्टोलॉजिकली हमको इसकी ये जो फिगर है वो याद रख लेनी है सो दैट वॉर्स हेल्प इसी समझ में आ गया एंड थैंक यू